नमस्कार दोस्तों, जर्नलिस्ट ग्रुप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस होमगार्ड का मॉडल पेपर फर्स्ट। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल जर्नलिस्ट ग्रुप को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, सोहन एक दिन में किसी पुस्तक का एक बटा तीन भाग पढ़ता है, दूसरे दिन वह पहले दिन एक बटा दो भाग पढ़ता है, पहले दिन का एक बटा दो भाग पढ़ता है, तीसरे दिन में 75 पृष्ठ बचता है, तो पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं। सोहन एक दिन किसी पुस्तक का एक बटा तीन भाग पढ़ता है, यानी फर्स्ट दिन कितना पढ़ता है, एक बटा तीन भाग पढ़ता है। तो मान लेते हैं, माना कि पुस्तक में कुल पृष्ठ, यानी पुस्तक में कुल पृष्ठ, कुल पृष्ठ हम x मान लेते हैं, x है, क्या माने x है, यानी कुल पन्ना कितना है पुस्तक में, x, x माने कुल पन्ना। बोल रहा है एक दिन किसी पुस्तक का एक बटा तीन भाग पढ़ता है, एक बटा तीन भाग वह क्या करता है एक दिन में पढ़ लेता है। पहला दिन कितना पढ़ा दोस्तों, पहला दिन पढ़ा वो एक बटा तीन भाग पढ़ा, यानी x पृष्ठ है, x का एक बटा तीन भाग पढ़ लेगा, तो पहला दिन कितना पढ़ेगा, x गुना एक बटा तीन, यानी x बटा थ्री भाग, कितना पढ़ा, x बटा थ्री भाग पढ़ लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है दूसरे दिन वह पहले दिन का एक बटा दो भाग पढ़ता है, दूसरा दिन कितना पढ़ता है, दूसरा दिन कह रहा है वह पहले दिन का एक बटा दो भाग पढ़ता है, पहले दिन का कितना पड़ता है एक बटे दो भाग, यानी x बटे छ भाग। तीसरे दिन में 75 पृष्ठ बचता है, तीसरे दिन कितना बचता है पढ़ने के लिए, शेष पृष्ठ, तीसरे दिन यानी शेष पृष्ठ, तीसरे दिन बचा हुआ पृष्ठ कितना बचता है, 75 पृष्ठ बचता है, 75 कुल पन्ना है x, x में से वह पहला दिन x बटे तीन भाग पढ़ लिया और उसमें से दूसरा दिन जो है x बटे छह भाग पढ़ लिया, तब उसको कितना बचा पढ़ने के लिए, 75 पन्ना और बच गया है पढ़ने के लिए, कितना बचा दोस्तों, 75 पेज और बच गया। तो प्रश्न से x माइनस x बटे थ्री माइनस x बटे सिक्स बराबर कितना होगा, 75 पेज, यानी इतना पेज वो पढ़ लिया, x था कुल पेज में इतना पेज क्या किया वो पढ़ा, x बटे थ्री पेज पहला दिन और x बटे सिक्स पेज दूसरा दिन, यानी दोनों को जोड़ कर इसमें से घटा देंगे दोस्तों, तो जो शेष पृष्ठ बचेगा वो कितना बचा मेरा, 75, क्वेश्चन के अनुसार 75 बचा, लेकिन हमको कितना बचा, x माइनस दो दिन में जो पढ़ा वो x में से घटा देंगे तो शेष पृष्ठ बच जाएगा। चलिए हम इसको हल करते हैं, तो ये x हो गया माइनस यहाँ 6 एलसीएम आ गया, 3 × 6 यानी 2x प्लस x बराबर 75, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, x माइनस 2x में x जोड़ेंगे, 3x बटे 6 बराबर 75, यहाँ 6 एलसीएम हो गया दोस्तों, 6x माइनस 3x बराबर 75, 3x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना हो जाएगा, 75 गुना 6, इसको काटेंगे 25 × 75, इसीलिए x बराबर क्या हो गया दोस्तों, 25 × 6 क्या होगा, 150 पृष्ठ, यानी पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ थे, 150 पन्ने थे, कितने थे दोस्तों, 150, यही क्या हो गया मेरा, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी अकेले उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कितना समय लेगा ए को कार्य पूरा करने में। चलिए ए और बी जो है मिलकर कितना दिन में कर लेता है दोस्तों, 15 दिन, यानी ए प्लस बी काम करता है कोई कार्य कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है,
और बी अकेले उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेला कितना दिन में करता है? 20 दिन में। ए करता है, ए और बी मिलकर करता है 15 दिन में, और बी करता है 20 दिन में। तो एक अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों क्या करेंगे हम, जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे पहले। ए प्लस बी कितना दिन में करता था? 15 दिन में, लिख लिए। बी अकेला कितना दिन में करता था? 20 दिन में, लिख लिए। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, कंडीशन इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। किसका किसका? जो जो दिया रहेगा 15 और 20 का, हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम इसका आएगा दोस्तों 15 चौके 60 आया। जो एलसीएम आएगा वो मेरा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। क्या होगा दोस्तों? टोटल वर्क यानी कुल काम। कुल काम कितना, वो जो एलसीएम निकलेगा दोस्तों वो मेरा क्या आ जाएगा, वो मेरा टोटल काम निकल जाएगा यानी टोटल वर्क। टोटल वर्क जब पता हो जाएगा तो हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो क्या क्या करेंगे सर, प्रथम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आया दोस्तों? 60 आया। 60 को यहाँ लिख देंगे, ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, टोटल वर्क। मन में आ गया टोटल वर्क कहाँ से आया? एलसीएम जो निकालेंगे वही क्या हो जाएगा, मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इफिशियंसी निकाल सकते हैं यानी क्षमता, एक दिन का काम करने का कैपेसिटी निकालिए दोस्तों। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 15 चौके 60 यानी 4। एक दिन में कितना यूनिट करता है? 4 यूनिट कर लेता है। कौन करता है? ए प्लस बी मिलकर करता है। तो और बी अकेले एक दिन में कितना करता है? 20 या 60, 3 यूनिट। कितना करता है दोस्तों? 3 यूनिट करता है। ए प्लस बी करता है 4 यूनिट, बी कितना यूनिट करता है? 3 यूनिट। एक दिन का एफिशिएंसी यहाँ से निकल गया। अब ए प्लस बी जो करता है मिलकर, तो कितना काम कर लेता है एक दिन में? 4 यूनिट काम कर लेता है। यहाँ बी अकेला कितना करता है? 3 यूनिट। तो क्या ए का कितना निकल जाएगा कैपेसिटी, 4 माइनस 3 यानी 1 यूनिट काम करता है एक दिन में। ए कितना करता है? 1 यूनिट। अब कहता है ए को काम पूरा करने में, उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कुल काम जो ए करेगा तो ए को कितना समय लगेगा, सो पूछ रहा है क्वेश्चन। ए के द्वारा लगा समय, ए के द्वारा लगा समय यानी या लिया गया समय क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल काम क्या है मेरा 60। ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 1। तो 60/1, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, कुल काम कितना करना है 60। तो 60/1, 60 में 1 से भागा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 दिन, यही हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 12 मीटर लंबाई वाली ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 30 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, यानी कह रहा है 12 मीटर लंबाई वाली ट्रेन 45 किलोमीटर चाल से प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 30 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। चलिए दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 12 मीटर लंबाई वाली ट्रेन, चाल दिया हुआ है कितना है चाल 45 किलोमीटर पर घंटा। चाल जो है किलोमीटर में है, तो हम इसको क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे, क्योंकि ध्यान देखिए दूरी, दूरी क्या चीज में है दोस्तों, मीटर में है, इसीलिए क्या करेंगे इसको मीटर में बदल लेंगे। चाल जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे दोस्तों। चलिए बदल लेते हैं, तो इसके लिए 45 गुना किलोमीटर से हम मीटर में आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको काटिए 15 × 3 = 45, 3 × 6 = 18, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 यानी 25/2 हो गया, 25/2 हो गया। यहाँ देख लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में आएंगे, तो क्या डायरेक्ट हम 5/18 से गुना कर सकते हैं, नहीं तो इसके लिए डायरेक्ट यहाँ देखिए समझने के लिए 45 किलोमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना होगा, क्या चीज़ से होगा 1000 से गुना होगा, और घंटा है बटे में उसको 60 × 60, घंटा को मिनट में बदलेंगे 60 और मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 × 60 सेकेंड में आ गया है। काटिए 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, काटिए यहाँ से 2 × 3 = 6,
पंच दस, तीन से पंद्रह तिया पैंतालीस, तीन दो छः, तीन पचास पंद्रह, यानी क्या हो गया पच्चीस, पच्चीस से बता दिया आया फिर भी उतना। तो चाहे इस टाइप से कीजिए या इस टाइप, इस टाइप से शॉर्ट पड़ेगा। किलोमीटर से जब भी मीटर पर सेकेंड में आना हो तो पाँच बटा अठारह से गुना करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, पाँच बटा अठारह से गुना करते हैं डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। मीटर पर सेकेंड से यदि किलोमीटर पर घंटा में जाएंगे क्या करेंगे, अठारह बटे पाँच से गुना करेंगे, अठारह बटे पाँच से गुना करेंगे। समझ में आ गया, चार क्या निकल गया पच्चीस बटे टू मीटर पर सेकेंड। अब दूरी दिया हुआ है 12 किलोमीटर का रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 30 मीटर, तो 12 में 30 जुड़ जाएगा, इतना दूरी उसको तय करना पड़ेगा, यानी कुल दूरी कितना हो गया 30 प्लस 10 40 यानी 42 मीटर वो तय करेगा, तब कुल पूरा पूरा तय कर पाएगा। तो कह रहा है इसको तय करने के लिए वो कितना समय लेगा, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, क्या होता है दूरी बटे समय। समय बराबर क्या होगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, क्या होगा दोस्तों दूरी बटा चाल। बयालीस बटा चाल कितना है पच्चीस बटे दो, बयालीस गुना दो बटा पच्चीस क्या हो जाएगा, बयालीस गुना चौरासी बटा पच्चीस क्या हो जाएगा दोस्तों, बयालीस गुना दो बटा पच्चीस। तो हम इसको भागा करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ये भागा डिवाइड करेंगे, यानी इतना सेकेंड, इतना सेकेंड। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर है, x बटा सत्ताईस बराबर थ्री बटा एक्स हो तो x का मान क्या होगा, x बटा सत्ताईस बराबर थ्री बटा एक्स, हम क्या करेंगे यहाँ कोना कोनी गुना कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स गुना एक्स हो गया सत्ताईस गुना तीन हो गया, एक्स गुना एक्स क्या होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर हो गया, सत्ताईस गुना तीन इक्यासी हो गया एक्स स्क्वायर, इक्यासी किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, नौ गुना नौ करते हैं क्या होता है इक्यासी होता है, नौ गुना नौ यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया नौ का स्क्वायर हो गया दोस्तों, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, यहाँ भी दो स्क्वायर यहाँ भी पावर दो था, दो दो कट गया एक्स बराबर क्या हो गया नौ आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है साइन ए बराबर वन बटा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो तो टेन ए का मान क्या होगा, यानी साइन ए का मान दिया हुआ है क्या वन बटा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, साइन ए यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब क्या है दोस्तों यहाँ पे लंब है वन और कर्ण क्या है, कर्ण के सामने देखिए क्या है, लंब के सामने वन था कर्ण के सामने रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, लंब और कर्ण मालूम है क्या से निकालना पड़ेगा, आधार मालूम निकालना पड़ेगा, आधार बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है क्या दिया है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, लंब क्या है दोस्तों वन है तो वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे दोस्तों कोई भी संख्या है उस पे जो रूट में है, कोई भी संख्या है यदि रूट में है और स्क्वायर लगा हुआ ऊपर तो रूट क्या हो जाएगा हट जाता है, क्या हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा, यानी कोई भी संख्या रहता है रूट में है स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो ये भी रूट हट गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस वन, ये है दोस्तों क्या हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। चलिए दोस्तों सॉरी यहाँ जो है ना एल होगा, क्वेश्चन में एल था हम वन ले लिए थे, यहाँ क्या होगा एल होगा, एल बटे इतना था, लंब क्या हो गया एल हो गया और कर्ण ये हो गया,
कर्ण स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर, तो लम क्या है दोस्तों, एल है, तो एल का स्क्वायर यहाँ क्या हो गया एल स्क्वायर। ये देखिए दोस्तों यहाँ माइनस में है एल, यहाँ प्लस में है एल स्क्वायर, ये दोनों कट गया, माइनस प्लस कट जाता है बराबर संख्या रहने पर, क्या हो गया रूट में क्या हो गया एम स्क्वायर। अब क्या बोले, रूट में यदि कोई भी संख्या है स्क्वायर है, रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, क्या हो जाएगा ये एम हो गया। अब कह रहा है टेन ए का मान, तो यानी टेन थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब निकाले अभी दोस्तों कितना, लंब लंब मालूम था हमें, लंब क्या है दोस्तों एल, और आधार निकाले अभी क्या है एम, एल बटा एम आंसर हो गया। अब ये दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोग समझ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए, और आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बोल चैप्टर का नाम बोल सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक होकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं और हम उसका हल जल्द से जल्द देंगे। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए ताकि हमें सपोर्ट मिले और अच्छा से काम कर सके। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।